नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर। बिहार में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। एक तरफ जहां आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो वहीं उम्मीदवार भी अपने अपने इलाकों में जाना शुरू कर दिया है और मतदाताओं को अपने वादों से रिझाने की कोशिश करने लगे हैं। बता दें कि आने वाले 1 से 2 महीने में बिहार में नगर निगम का चुनाव होना है। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी तैयारियाँ भी तेज होती जा रही है। ऐसे में आयोग की तरफ से कई नियमों में बदलाव की बात कही जा रही है। अब जो बात बताया जा रहा है, उसमें यह कहा गया है कि पहले नगर निगम यानी कि पहले नगर निकाय के चुनाव में नगर परिषद और नगर पंचायत के अधिकारियों के अलावा कर्मचारियों को भी ड्यूटी में लगाया जाता था, लेकिन इस बार चुनाव की जिम्मेवारी उन्हें नहीं देने की बात कही गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार के चुनाव के दौरान नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों के अलग रखा जाएगा। कलेक्टर से जुड़े कार्यालय शाखा एवं प्रशाखा कर्मचारियों के नगर पंचायत के कोषांग में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इस बार होने वाले मतदान में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार ईवीएम के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। इसको लेकर हर बूथ पर 3 बैलेट यूनिट और 3 कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि इस बार के चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर हमें इसी तरह के फैसले चुनाव में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर या हम इसे इस तरह से समझें कि ईवीएम में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में नगर पंचायत के 2 वार्ड पर एक और नगर परिषद के 1 वार्ड पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इन सभी कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हमने पहले ही बताया कि नगर परिषद के कर्मचारियों को इस बार चुनाव से दूर रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरे विभाग के कर्मचारियों के चुनाव कराने को लेकर तलाश जारी है यानी कि शुरू कर दी गई है। इसके बाद उन्हें चुनाव संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार में इस बार होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर यह बताया गया है कि 28 सितंबर तक किसी भी स्थिति में सभी जिलों के अधिकारियों को चुनाव सामग्री प्राप्त कर लेने की बात कही जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पहले चरण में चुनाव करवाने वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण 8 अक्टूबर तो वहीं दूसरे चरण के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 18 अक्टूबर तक करवाने का निर्देश आयोग की तरफ से सभी जिलों को दिया गया है। आयोग की तरफ से जारी निर्देश में यह बताया गया है कि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह यानी कि 2 से 5 अक्टूबर के बीच में दुर्गा पूजा है, तो ऐसी स्थिति में जिलों को इस बात का भी निर्धारण करना है कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण का तिथि बार कब से कब तक रखना है। बता दें कि बिहार में नगर निगम चुनाव से आरक्षण की भी स्थिति को भी तय करना है, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि निगम परिषद और नगर पंचायत में क्या क्या स्थिति है। हालांकि चुनाव की तैयारियाँ अभी दोनों तरफ से तेज हो गई है। आयोग ने भी अधिकारियों को निर्देश देना शुरू कर दिया है, तो वहीं उम्मीदवार भी अब मतदाता के पास पहुंचने लगे हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे और नियमों में बदलाव और नए नए चीज़ें जोड़ती जाएगी। कई पुराने चीज़ें हैं जो कि खत्म होंगी, तो ऐसे में निगम चुनाव को लेकर आगे हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। आप बिहारी न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।